सर्व जागरूक संगठन द्वारा सखी प्रोजेक्ट के तहत जिले में लगाई जाएंगी 400 सैनिटरी नैपकिन वेंडर मशीनें। बालकुंज छछरौली में लगाई जाएगी पहली मशीन। प्रोजेक्ट के माध्यम से महिलाओं को भी मिलेगा रोजगार। सर्व जागरूक संगठन की ओर से सखी प्रोजेक्ट के तहत यमुनानगर जिले में 400 सैनिटरी नैपकिन वेंडर मशीनें लगाई जा रही हैं, जिसकी शुरुआत छछरौली स्थित बालकुंज नामक संस्थान से की जा रही है। इसके बाद यमुनानगर जिले के सभी पब्लिक संस्थानों पर बने महिला शौचालय में यह मशीनें लगाई जाएंगी। एनजीओ की ओर से महिलाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। जिन जिन जगहों पर यह मशीनें लगाई जाएंगी, वहां से महिलाएं मात्र 10 रुपए में 5 नैपकिन ले सकेंगी। सर्व जागरूक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पायल बख्शी ने बताया कि वह इस धरा पर नए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी 65% महिलाएं महावारी के समय में कष्टों को सह रही हैं। वह गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। नारी अगर स्वच्छ रहेगी तभी तो स्वस्थ रहेगी। उन्होंने बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से अभी भी देश की 80% महिलाएं पीड़ित हैं, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि जागरूकता न होने के कारण आज भी महिलाएं जरूरी दिनों में अत्यंत दूषित विधियां अपनाती हैं, कागज व गंदे कपड़ों का प्रयोग करती हैं, जो कि स्वास्थ्य मानकों से हानिकारक है और गर्भाशय कैंसर का कारण बनता है। अज्ञानता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाएं कष्टों को सहन कर रही हैं। संगठन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश की सभी महिलाओं और बच्चियों को उपहार देना चाहता है, जिसकी शुरुआत यमुनानगर जिले से की जा रही है। संगठन 2007 से कार्यरत है। हम तीन मुद्दों पे काम करते हैं। एक तो फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करते हैं हम लोग, दूसरा सीनियर सिटीजन ह्यूमन राइट्स पे, और थर्ड स्वच्छ भारत मिशन के। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और साथ में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने अभी 400 प्लेसेस यमुनानगर और जगाधरी में शॉर्टलिस्ट की हैं, जहां पर हम लोग वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करेंगे और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। इसकी शुरुआत जो है हम बालकुंज से करेंगे, छछरौली से। बड़ा प्रोजेक्ट है सर, और हर स्टेट से और हर सिटी से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी टीम, ये हमारा जो एक आंदोलन की तरह ये फैल चुका है। और प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट आता है, वो जो हमारी वेंडिंग मशीन होती है, वो 6500 रुपये की होती है जी। तो वो जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, अभी तक हम फंड्स किसी से नहीं लिए हैं, तो जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उसी का 10% जो हम अपनी सैलरी का डोनेट करते हैं, उसी से हम लोग ये पूरी टीम का काम है। मैम अकेले भी ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें पूरी टीम का सहयोग है। पीछे देखो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी टीम के कुछ मेंबर मेरे साथ बैठे भी हैं। तो मैं एक बार फिर सारी टीम का भी स्पेशल थैंक्स करता हूँ, और खास तौर पे डॉक्टर पायल ने जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। वो कहते हैं ना, खुद को खुद की खबर ना लगे, और आप जैसा अच्छा कोई इस कदर ना लगे। देखते हैं आपको उन निगाहों से जिन निगाहों से आपको नज़र ना लगे। मेरे हिसाब से ये यूनिट एक दिन दूनी रात चौगी तरक्की करेगा, और ऐसे सोशल कार्य हमेशा करता रहेगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा नारा भी तैयार किया है, तो मैं कहूँगा तो सारे मिलकर बोलो तो अच्छा लगेगा। स्वच्छ रहेगी नारी तभी स्वस्थ रहेगी नारी।